everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good, taking care of yourselves and your families. Now today's video is a random haul video. Yeah, because I shopped a lot of things in parts from Zudio, Westside and H&M. And yehi sari series jo maine shop kiya na, wohi main is video mein cover karne wali hoon. And if you like this video, then do not forget to subscribe and hit on to the bell icon below if you haven't done yet. And also, aap logo ko pata hai, please do not forget to give this video a big thumbs up. Now let's quickly start up with our today's video. And सबसे पहली जो ब्रांड हम लेने वाले हैं वो है Zudio. So I got three things from Zudio. So first of all is this top. I got this in size XS. Generally मुझे M size आता है किसी भी ब्रांड का, but इसमें XS size भी जो है ना वो यहाँ से हल्का सा जो है वो मुझे लूज पड़ रहा है. एंड ये मुझे पड़ा है ₹399 में. कलर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है. फिर गोइंग फॉर डे आउट और समथिंग तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. प्लस आजकल ना वो टाइडाई वाला ट्रेंड बहुत ज्यादा है. ऑल्दो ये नॉट एग्जैक्ट टाइडाई है, बट इट्स काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट. इट्स नॉट एग्जैक्टली वेरी क्रॉप टॉप. अगर आप हाई वेस्ट वगैरह कुछ कैरी करते हो ना तो बहुत ज्यादा क्रॉप तो नहीं लगेगा. नॉर्मल सा टी शर्ट है, बट हाँ आप इसको जो है वो टक इन नहीं कर सकते हो, उतना ज्यादा लंबा नहीं है ये. सो ये जो है ना पैक राउंड नेक है. इसका जो मटीरियल है ना वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटीरियल है. प्लस नीचे से जो है ना वो इस तरीके का स्टाइल दिया हुआ है, थोड़ा सा नॉट टाइप का आगे से. दिस इज वेरी कंफर्टेबल आई थिंक फॉर यू नो फॉर वेकेशंस, फॉर डे आउट और वेर एवर यू आर वेयरिंग कैजुअली. अगर आप इसे कैरी करते हो ना तो बहुत बहुत ही ज्यादा आपको कंफर्टेबल फील होगा. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पिक दैट आई गॉट फ्रॉम Zudio इज दिस शॉर्ट्स व्हिच आई एम इन लव विद. लाइक जस्ट लुक एट द कलर ऑफ दिस शॉर्ट्स. लैवेंडर कलर जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है अभी के टाइम पे और बहुत ज्यादा सुंदर भी लगता है. इट्स वेरी वेरी नाइस कलर. तो ये शॉर्ट्स मुझे कलर की वजह से भी बहुत ज्यादा पसंद आए. एंड आई गेट दिस वन फॉर जस्ट ₹399. तो क्या बुरा है ना. द मटीरियल इज रियली वेरी नाइस. इसका ना थोड़ा सा टेक्सचर टाइप का मटीरियल है, चेक्स चेक्स टाइप का, लाइनिंग टाइप का. और फिर ऊपर इलास्टिक दिया हुआ है वेस्ट में और ये जो है वो नॉट के लिए ये दिया हुआ है. प्लस दो पॉकेट्स भी दिए हुए आपको. बस इसमें एक जो प्रॉब्लम जो मुझे घर आकर समझ आया, वहां पर तो मैंने ट्राई किया था तो मुझे नॉर्मल लग रहा था, बट इसके अंदर ना थोड़ा सा सी थ्रू है. ये थोड़ा सा पतला मटेरियल, पतला नहीं है बट आई डोंट नो व्हाई. बट जो पूरी यू नो जो भी आप यूजीज वगैरह अगर कैरी करोगे तो उसकी जो लाइनिंग्स है वो प्रॉपर दिखेगी. सो आई थिंक आपको इसके अंदर ना कुछ करवाना पड़ेगा. मैं सोच रही थी कि इसके अंदर वो अस्तर बोलते हैं ना, वैसा कुछ लगवा लूंगी. सो उससे शायद ये कंफर्टेबल हो जाएगा. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. अदरवाइज ऐसे तो बहुत ज्यादा अच्छा है. दे आर रियली वेरी ब्यूटिफुल और बहुत ही ज्यादा सुंदर है कलर तो. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई पिक्ड इज दिस टी शर्ट दैट आई एम वेयरिंग हेयर. सो अगेन इसको और ये जो शॉर्ट्स है ना ये मैंने मैच करके लिया था बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड लग रहा था ये. ऑल्दो उसका कलर थोड़ा सा और लाइट है और ये थोड़ा सा उससे जो डार्क शेड पे है, बट दोनों जो है वो एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे. सो आई जस्ट पिक्ड इट एंड आई गॉट दिस वन फॉर ₹299. तो उस वजह से मुझे बहुत अच्छा लग गया और बहुत ज्यादा कैजुअल एंड बहुत ज्यादा कूल लग रहा है. यू नो रेनबोज एंड क्लाउड्स ऑल ओवर आगे पीछे और स्लीव्स भी काफी अच्छी लेंथ की है. इट्स वेरी कंफर्टेबल एट द सेम टाइम. मटीरियल जो है बहुत अच्छा है. आई गॉट दिस इन साइज M. तो दोनों को मिलाकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. मन मेरा शॉर्ट्स लेने का था बट क्योंकि ये दोनों मैच हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, सो आई थॉट चलो दोनों ही ले लेते हैं. नाउ लेट्स कम ऑन टू आवर नेक्स्ट ब्रांड व्हिच इज Westside. तो Westside से ना मैंने बहुत ही रैंडम चीजें खरीदी थी. लाइक मैं ऐसे ही कैजुअली घूमने गई थी स्टोर पे तो मुझे पसंद आ गई चीजें, सो आई पिक देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस शर्ट दैट आई गॉट. तो इसको लेने का मेन मकसद तो ये था कि आप इसे कैजुअली भी पहन सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी पहन सकते हो. प्लस इफ यू हैविंग सम फैमिली फंक्शन और समथिंग वेयर यू हैव टू वेयर समथिंग वेस्टर्न, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा यू नो ओवर भी ना लगे, तो शर्ट ये वाला शर्ट जो है मुझे उस पर्पज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत फुलफिलिंग लगा मुझे. सो आई पिक दिस वन. कलर्स आर रियली ब्राइट. लाइक व्हाइट कलर तो वैसे ही बहुत अच्छा दिखता है. पीछे जो है वो पीच कलर का बस इतना सा पट्टा है एंड आगे जो है वो स्लीव्स ग्रे कलर की एंड देन हियर इज अ पॉकेट दैट इज ऑफ ग्रे कलर. तो इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है. ऑल्दो व्हाइट कलर तो हल्का सा सी थ्रू तो होता ही है तो वो तो है, बट फिर भी उतना ज्यादा नहीं है. इसका मटेरियल काफी ज्यादा थिक है कंपैरेटिवली. आई गॉट दिस वन फॉर ₹999 एंड इसका जो साइज है वो मैंने एस लिया है. एस भी जो है वो थोड़ा सा लूज लूज है बट इसका पैटर्न ही वैसा है, थोड़ा सा लूज एंड शॉर्ट टाइप का शर्ट. तो या इट्स एक्चुअली लुकिंग वेरी नाइस और कलर्स बहुत ज्यादा सुंदर है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई पिक्ड इज अ वेरी वेरी रैंडम थिंग. पता नहीं क्यों खरीदा मैंने, क्योंकि मैं अभी कोई वेकेशन पे भी नहीं जा रही हूँ और ऐसे भी कुछ प्लान नहीं था, बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई लाइक इट. शायद कलर बहुत पसंद आया मुझे.
दिस इज द वन पीस दैट आई पिक, काइंड ऑफ डंगरी जैसा लग रहा है ये, बट डंगरी नहीं है एग्जैक्टली. सो ये इस तरीके का है, कॉड्रा मटेरियल जो बोलते हैं ना, उस वो वाला मटेरियल है, लाइनिंग लाइनिंग वाला, एंड बहुत ज्यादा मोटा मटेरियल है. तो मटेरियल अगेन वेरी नाइस, कलर वेरी नाइस, एंड आई गॉट दिस इन साइज एल. तो एल साइज भी मैंने इसलिए लिया था बिकॉज एम साइज ना मुझे काफी ज्यादा फिटिंग में बहुत अच्छा बैठा था, बट सिर्फ मुझे वेस्ट से ना थोड़ा सा टाइट था. सो आई थॉट दैट अगर फ्यूचर में कभी हल्का भी मैंने थोड़ा बहुत गेन कर लिया और मुझे नहीं आ पाया तो बिल्कुल ही पैसा बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा. सो दैट इज वाई मैंने एक साइज जो है वो बड़ा लिया, जो कि यहाँ से मुझे हल्का सा लूज है तो मुझे थोड़ी सी फिटिंग लगवानी पड़ेगी, बट देन या इट्स काइंड ऑफ कम्फर्टेबल एंड इट इज हैविंग दिस जिप इन फ्रंट. तो ये जिप जो है ना वो पूरा ओपन हो जाता है, लाइक अगर आप इसको ऊपर से डालना चाहते हो ऊपर डाल सकते हो, अदरवाइज ये बहुत ईजीली आप ऐसे भी डाल सकते हो. और इसकी स्लीव्स जो है वो स्ट्रैप्स हैं यहाँ पर, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो इट्स वेरी नाइस, अगर नहीं हो तो यू नो हॉल्टर नेक वाले जो टी शर्ट आते हैं कट स्लीव्स या फिर स्लीव्स वाले, तो आप दोनों ही कैरी कर सकते हो, इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे. एंड वाइट टी शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके साथ. सो आई रियली लाइक दिस वन, आई गॉट दिस फॉर ₹1499. सो यार दिस इज वॉट आई गॉट फ्रॉम बेस्ट साइड. नाउ लेट्स कम ऑन टू आवर नेक्स्ट ब्रांड विच इज H&M. सो H&M से ना मैंने दो बॉटम्स परचेस किए. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दीज अ ब्राउन फ्लेयर ट्राउजर्स. तो ये वाले जो ट्राउजर्स है ना, ये रिप ट्राउजर्स है, जो लाइनिंग लाइनिंग वाले हम टॉप पहनते हैं ना, बिल्कुल उसी मटेरियल का बिल्कुल वैसा ही है मटेरियल. नी लेंथ तक जो है वो बिल्कुल फिट है, बॉडी फिट है, और नीचे से जो है ना वो इसमें इस तरीके से फ्लेयर दिया हुआ है. सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इन कलर, इन मटेरियल, एज वेल एज जो फिटिंग आई है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बैठी है. तो ये वाला जो है ना, ये मैंने लिया है इन साइज M, और ये मुझे पड़ा है ₹1299 प्लस मुझे साइट का कुछ तो भी 10% ऑफ मिल गया था. दिस इज अ हाई वेस्ट ट्राउजर, और ऊपर जो वेस्ट है ना वहां से थोड़ा सा लूज है मुझे, बट नीचे से जो है फिटिंग बहुत अच्छी बैठी है, तो इसलिए थोड़ा सा लूज जो है वो भी चल रहा है, क्योंकि ऊपर से जनरली हम लोग का जो फिगर होता है ना वो थोड़ा सा पतला होता है, दैट इज वाई उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ी सी फिटिंग लगवाने की जरूरत है. एंड मटेरियल तो वैसे ही H&M के बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, स्पेसिफिक इन ट्राउजर्स और जीन्स वगैरह जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है वहाँ पे. एंड सही में मतलब अभी तो बहुत ज्यादा अच्छा कलेक्शन था H&M पर सारी ही चीजों का, आप चाहे ट्राउजर्स ले लो, पैंट्स ले लो, एंड एवरीथिंग हमेशा ही वैसे अच्छा होता है, बट फिर भी इस बार मुझे क्योंकि लेना था तो मुझे बहुत सारी चीजें पसंद आ रही थी. सो या एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव गॉट इज द जीन्स दैट आई एम वेयरिंग हियर. ये वाला जो जीन्स है ना, ये ही मैंने H&M से खरीदा है. सो अगेन आई लाइक द कलर ऑफ दिस जीन्स अ लॉट, मतलब ये प्रॉपर जेड ब्लैक नहीं है बिकॉज इसमें जेड ब्लैक कलर भी था ऑल्दो, बट जेड ब्लैक नहीं लिया मैंने क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जेड ब्लैक जनरली जो होता है ना वो हर किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है. बट ये वाला जो कलर है ये ग्रे भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ डस्टी ब्लैक कलर जो कि बहुत सारी चीजों के साथ चला जाता है, आप इसे कैजुअली भी कैरी कर सकते हो, किसी भी चीज के साथ कर सकते हो, यू नो. सो या आई ओवरऑल लाइक इट अ लॉट, एंड ये मॉम फिट जीन्स है तो इसमें फिटिंग वगैरह ना उसका बहुत ज्यादा इशू आया नहीं, बट या फ्रॉम द वेस्ट थोड़ी सी ढीली है मुझे, तो थोड़ा सा फिटिंग लगवाने की जरूरत है, बट ओनली फ्रॉम द अपसाइड, उसके अलावा फिटिंग जो है वो प्रॉपर है. एंड आई गॉट दिस वन फॉर ₹1299 और ₹1099 माइनस 10% ऑफ समथिंग, आई विल मेंशन इट ओवर हियर. ये तो नहीं बोलूंगी इधर बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है चीज है बिकॉज H&M एंड वेस्ट साइड जो है वो थोड़ी सी हाई रेंज में चली ही जाती है ब्रांड्स, बट जूडियो के जो है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल लगी मुझे चीजें. और H&M और इनके हिसाब से ना आई थिंक क्वालिटी ये लोग बहुत ज्यादा अच्छी प्रोवाइड करते हैं. सो फॉर द प्राइस एंड फॉर द ब्रांड नेम दैट दे हैव, आई थिंक प्राइस भी काफी ज्यादा कूल है. सो इट्स फाइन. दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट, एंजॉयड इट, एंड इफ सो देन ऑलरेडी मैंने बताई दिया है, प्लीज नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियोस. टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक अ लॉट ऑफ केयर गाइस.